सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स माय डियर फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले तो हम अपने पुराने जो छह एक्सरसाइजेस हैं सबसे पहले तो उनके आंसर्स देखेंगे उनके आंसर की को देखेंगे आंसर की ताकि आप बहुत आसानी से मैच कर पाए और साथ ही साथ ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं है आज लास्ट लेक्चर से रिलेटेड दो एक्सरसाइज रहेगी तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है या उसका रिविजन नहीं किया है तो एक बार रिविजन कर लीजिएगा ताकि इन दो एक्सरसाइजेस को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ सो विदाउट एनी डिले आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक थोड़ा सा नया होने वाला है थोड़ा सा नेचर उसका पुराने वाले टॉपिक से थोड़ा सा अलग है या आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हुए हैं ठीक है थीके? तो उस तरीके से आज हम इसको देखने वाले हैं सो लेट स्टार्ट आज का टॉपिक हमारा किस बारे में होने वाला है तो सबसे पहले सेकंड जो हमारी एक्सरसाइज थी उसकी आंसर की है हमारे सामने व्हाट यू डिड वाज रॉन्ग व्हेन यू अराइव्ड इज नॉट नोन टू मी वेयर दे विल टेक क्लासेस बीन डिक्लेयर्ड हाउ ही क्योर्ड जॉइंडिस इज अ मिस्ट्री वाई ही हेल्प द एनिमी हैड बीन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अब यहां पर अगर आप इन वाक्यों को देखेंगे तो किस तरीके से डब्ल्यू एच वर्ड का इस्तेमाल किया गया है ठीक तरीके से वो देखने को मिला है बाकी जो आपके सामने पांच एग्जाम्पल है वो दैट से शुरू होने वाले हैं दैट इंडियन प्लेयर्स आर इज एविडेंट एट वर्ल्ड लेवल दैट इंडियन स्पिरिचुअलिटी इज द बेस्ट इज एक्नोलेज वर्ल्ड ओवर दैट इंडियन टेक्नोलॉजी वॉज एडवांस्ड वॉज प्रूव्ड बाई इंडियाज वेलविथ

फिगर से दैट लाइफ इज शॉर्ट फॉर लव पीपल रियलाइजेस दैट मॉरल वैल्यूज आर नेसेसरी फॉर ह्यूमैनिटी सिक्स जो हमारी एक्सरसाइज थी उसके आंसर हमारे सामने आया द रिप्लाई वॉज दैट आयुर्वेदिक मेडिसिन नो साइड इफेक्ट द सोल्यूशन इज दैट वी शुड हार्वेस्ट रेन वॉटर द काउंसिली शुड ग्रो मोर ट्रीज आउटकम वॉज दैट इंडिया एट लास्ट वॉन फ्रीडम इन फोर्टी से एक्शन गो डाउन सी नॉट द लीस्ट हमारा उसके आंसर हमारे सामने है दिस इज द स्टेटमेंट दैट द अपोजिशन डिमांडेड फॉर द पीएम दिस वॉज द इंस्ट्रक्शन दैट नो स्टूडेंट वुड प्ले ट्रॉन्ट दो वर दैसलॉट विजिट देर आर द पॉइंट न्यूज दैट वी ऑल वर वेटिंग फॉर इस तरीके से हम लोग देखते हैं रिलेटेड हमारे, हमारे जो क्वेश्चन थे जो एक्सरसाइजेस थी जो हमने लास्ट हमारे लेक्चर के अंदर दो दिन का टाइम मिला था सैटरडे और संडे का तो सैटरडे और संडे में हमने ये छह एक्सरसाइज सॉल्व की थी उनकी आंसर की है और अब आपको आज के लिए जो होमवर्क मिलेगा वो लास्ट हमारे लेक्चर से रिलेटेड होगा लास्ट लेक्चर से रिलेटेड होमवर्क हमारा क्या है तो फर्स्ट हमें फिलिंदा ब्लैंक्स में मिला है गॉड डैश इज द सुप्रीम फादर अच्छा मैं बोलूंगा नहीं आप इसका फोटो ले लीजिए बोलने से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है कई बार क्या होता है बोलने में मैं स्ट्रेस वगैरह लेता हूं ना या हॉल्ट लेता हूं कहीं पर रुकता हूं तो उससे बहुत एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से यह आंसर बनाना है मैं चाहता हूं कि अभी आपको आइडिया ना मिले ना, तो ये आपके सामने फाइव क्वेश्चन है एक तो इन फाइव क्वेश्चन का बनाना है जहां आप रिलेटिव प्रोनाउन सही तरीके से भरते हुए उनका इस्तेमाल करेंगे यहां पर ये ये है कि ये पी पेयर्स ये हैं आपके सामने जो रिलेटिव का इस्तेमाल करते हुए या रिलेटिव एडवर्ब्स का इस्तेमाल करते हुए आपको इनको जोड़ करके वाक्य बनाना है ठीक है बस ये दो ही एक्सरसाइजेस हैं ओनली दीज टी टेन क्वेश्चन आर देयर जो आपको कल तक सॉल्व कर दे आज गाइज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो हमारा होने वाला है एडवर्ब क्लॉजेस एडवॉब का सीधा सीधा मतलब क्या है क्रिया विशेषण एडवर्ब का मतलब क्या है क्रिया विशेषण जो सामान्यतः किसी क्रिया की विशेषता बताता है कोई व्यक्ति जो है वह व्यक्ति बहुत ही लंबा है तो ये तो व्यक्ति की व्यक्ति का विशेषण हो गया कि वो लंबा है इसमें तो कोई क्रिया हुई नहीं तो क्रिया के विशेषण की तो बात ही नहीं हो रही लेकिन अगर इसी जगह मैं कहूं कि लंबा व्यक्ति बहुत तेज चलता है तो लंबा व्यक्ति में लंबा शब्द जो है वो किसको बता रहा है व्यक्ति को और चलना शब्द की विशेषता कौन बता रहा है तेज शब्द तो ही वॉक वेरी फास्ट तो इसमें फास्ट जो है किसके लिए आ रहा है ही के लिए या वॉक के लिए तो यहां पर फास्ट शब्द जो है वो आ रहा है वॉक के लिए तो जब भी किसी शब्द से क्रिया की विशेषता बताई जाए कोई ट्रेन है बहुत तेजी से चलती है कोई व्यक्ति है बहुत जल्दी जल्दी खाता है तो जल्दी जल्दी किसके बारे में व्यक्ति के बारे में जल्दी जल्दी के खाने के बारे में जल्दी जल्दी तो जल्दी जल्दी खाता है तो खाने की विशेषता बताई जा रही है 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 कि वह व्यक्ति व्यक्ति अमुक जो जल्दी जल्दी खाता है. तो इस प्रकार जब भी किसी क्रिया की विशेषता बताई जाती है तो उसे हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं इंग्लिश में उसे एडवर्ब कहते हैं एन एडवर्ब क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन एंड डज द वर्क ऑफ एन तो एक एडवर्ब क्लॉज यानी कि एक क्रिया विशेषण उपवाक्य जो है वो एक ऐसा शब्दों का समूह होता है जिसका स्वयं का अपना एक प्रेडिकेट होता है साथ ही साथ उसका अपना एक सब्जेक्ट भी होता है क्या होता है एक सब्जेक्ट या एक कर्ता भी होता है तथा साथ में एक प्रेडिकेट होता है यह शब्द समूह जो है एक एडवर्ब का कार्य करता है एडवर्ब का सीधा मतलब है क्रिया विशेषण जिसको याद नहीं होता ना वो दस बार बोल करके भी तैयार कर सकता है एडवर्ब का मतलब क्या होता है क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण क्या होता है जो क्रिया की विशेषता होता है तो वर्ब की विशेषता बताने को, आले को क्या बोलेंगे Adverb बोलेंगे एडवर्ब ऐसे याद कर लो ठीक <laughs> है ये भी एक तरीका हो सकता है एडवर्ब क्लॉजेस जो है वो निम्न प्रकार के होते हैं कुछ नौ प्रकार के हम लोग क्रिया विशेषण देखने वाले हैं <laughs> नौ प्रकार के <laughs> एक, एक, एक एक स्लाइड में एक एक प्रकार का निमट जाएगा टेंशन मतलब बहुत ज्यादा लंबा नहीं है टॉपिक है ना बस इसमें टाइप ऑफ एडव क्लॉजेस ज्यादा है लेकिन बहुत डीप में नहीं है जैसे हमने पहले वाला देखा कि हमने देखा कि अच्छा नाउन क्लॉज तीन ही तरह के होते हैं हाँ तीन तरह के तो पढ़ लेंगे क्या लेकिन वो तीन तरह के अंदर से तीस तरह के निकल गए तो वहां तीन देख के खुश हुए तो खुशी का मौका नहीं मिला कि भाई खुश हो पाए अब यहाँ पर नौ देख करके दुखी हो रहे हो तो दुखी होने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि नौ बस एक एक प्रकार के एक एक हैं वन को देखना है ना टोटल नौ बात करेंगे नौ बात करने के बाद हमारा आज का टॉपिक समाप्त हो जाएगा ठीक है तो या शर्त को बताएगा कंडीशनल के लिए शर्त शब्द सबसे ज्यादा ठीक है जहां एक कार्य की निर्भरता दूसरे कार्य पर प्लेस आ जाएगा प्लेस का मतलब जो स्थान को बताने वाले होंगे मैनर मतलब किसी कार्य को करने की विधि किसी कार्य को करने की विधि या उसको तरीक करने को तरीका किसी कार्य को करने का या किसी क्रिया का तरीका कैसा है उस तरीका के बारे में हम लोग बात करेंगे फिर आ जाता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन कंपैरिजन ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन का मतलब क्या है तुलनात्मक विशेषण जहां कंपैरिजन की जाए दो चीजों की तुलना की जाए ऐसा कोई विशेषण शब्द हो लेकिन यहां पर उसे विशेषण ना कह करके मैं क्या कह दूंगा ऐसा कोई शब्द जो कि क्रिया विशेषण हो विशेषण ना कह के उसे क्या कह दूंगा तुलनात्मक क्रिया विशेषण हो कॉज या रीजन जो कि किसी क्रिया के होने के कारण को दर्शाता हो पर्पस यानी कि उसके उद्देश्य को दर्शाता हो किसी क्रिया के करने का उद्देश्य क्या है रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस यानी कि उसके परिणाम को दर्शाता है रिजल्ट क्या निकला कॉन्सिक्वेंस का मतलब भी परिणाम होता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन या सपोजिशन कंसेशन या सपोजिशन जो है ये विपरीत अवस्था को दर्शाता है किसको दर्शाता है क्रिया की विपरीत अवस्था को दर्शाने का कार्य ये मूलतः करता है तो इस तरीके से हम लोग बस समय के लिए क्या लगाना है शर्तिया वाक्यों के लिए क्या लगाना है स्थान के लिए क्या लगाना है विधि तरीके के लिए क्या लगाना है तुलनात्मक क्रिया विशेषण है तो उसके लिए क्या लगाना है तुलना केवल दो के मध्य होनी चाहिए रीजन यानी कारण हो किसी कार्य का किसी क्रिया का कारण बताया जाए किसी क्रिया का उद्देश्य बताया जाए किसी का परिणाम बताया जाए या विपरीत अवस्था को बताया जाए तो वहां पर किस किस का कहां कहां पर क्या क्या प्रयोग करना चाहिए ठीक है तो उनको हम लोग आज देखने वाले हैं पढ़ने वाले हैं एडवो क्लॉज ऑफ टाइम यानी कि ऐसे क्रिया विशेषण जो कि समय को बताते हो किसको बताते हो समय को बताते हो दे आर इंट्रोड्यूस्ड बाय कंजक्शन ऑफ टाइम और उनको दर्शाने के लिए कंजक्शन ऑफ टाइम का मतलब है संयोजक जो है कौन से समयवाचक संयोजक जो है उनका प्रयोग यहां पर किया जाता है कि भैया यहां पर समय को दर्शाना है तो समय को दर्शाने वाले कंजक्शंस हम लोग यहां पर लेकर आ जाएंगे जैसे कि आफ्टर समय को बताता है इमीडिएटली तत्काल रूप से टिल अंटिल कार्य की या क्रिया की समाप्ति का जो अंतिम समय बिंदु है उसे दर्शाता है एस समय को बताएगा जैसे ही वैन समय को बताएगा सिंस समय को बताएगा नो no, सूनर समय को बताएगा बिफोर समय को बताएगा बिफोर के साथ देन उसके बाद में एस सून एस वैन एवर जब कभी भी वाइल्ड जबकि हार्डली ना के बराबर या मुश्किल वैन जब अब ये सारे के सारे जो है ये सारे के सारे क्या है ये हमारे कंजक्शन ऑफ टाइम है शन ऑफ टाइम जो है बेटा ऐसा नहीं है कि केवल यहीं पे काम आएगा आंसर लिखोगे लॉन्ग राइटिंग करोगे आर्टिकल लिखोगे ऐसे लिखोगे लेटर लिखोगे रिपोर्ट राइटिंग करोगे कहीं भी अगर इंग्लिश आपको अपने हाथ से लिखनी होगी और उसमें आप कभी भी किसी समय के आधार पर कृषि क्रिया विशेषण का प्रयोग करोगे तो आपको कंजक्शन ऑफ टाइम की जरूरत हर जगह पर पड़ेगी इसलिए आपको इनको देखना आवश्यक है ठीक है गाइस नेक्स्ट हम इसमें देख रहे हैं वैन का प्रयोग सिंपल टेंसिस के साथ करें किसके साथ करते हैं सिंपल टेंस के साथ करते हैं कैसे करते हैं वैन वन एक्शन अकर्स एट द सेम टाइम एज अनदर और इन द स्पैन ऑफ अनदर जब एक ही जब एक कार्य घटित होता है और उसी समय पर दूसरा कार्य भी घटित होता है या दूसरे कार्य के मध्य एक कार्य घटित होता है तब हम वैन का प्रयोग करते हैं यह हमारा समय का बिंदु एक कार्य यहां घटित हुआ दूसरा कार्य भी इसी समय बिंदु पर सेम टाइम पर घटित हो गया या फिर एक कार्य जो है इस समय के साथ साथ घटित हो रहा था उसके बीच में एक कार्य घटित हुआ तो इन दोनों स्थिति को दर्शाने के लिए वैन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है टेंस में तो दोनों परिस्थितियों को दर्शाने के लिए हम वैन का इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है जब पहला व दूसरा कार्य एक्शन के साथ साथ घटित हो वैन इट इज हॉट जब गर्मी होती है द रोड्स आर एम्प्टी तो रोड खाली होते हैं तो अब देखो यहां पर when इट इज हॉट जब कभी गर्मी होती है या जब गर्मी होती है द रोड आर एम टी रोड खाली पड़े रहते हैं लोग बाग़ घर में रहते हैं ऑफिस में रहते हैं बाहर रोड पे नहीं निकलते हैं वैन वन एक्शन फॉलोज अनदर जब एक एक्शन के होने के बाद ही या उसके साथ साथ ही दूसरा एक्शन भी होता है या उसके बाद दूसरा एक्शन होता है वैन वी हीट द आइसक्रीम जब हम आइसक्रीम को गर्म करते हैं इट मेल्ट्स तो ये जैसे गर्म करते जाओगे वैसे वैसे पिघलती जाएगी लेकिन हमेशा गर्म करना पिघलने से आगे ही चलेगा लेकिन जब हम मोटे मोटे तौर पे देखते हैं हां आइसक्रीम गर्म कर रहा हूं तो पिघल रही है तो ऐसा लगता है दो कार्य एक साथ चल रहे लेकिन एक्चुअली देखा जाएगा तो हॉट करने का काम हमेशा आगे आगे चलेगा पिघलने का काम उसके पीछे पीछे चलता है तो वैन कब आता है जब दो कार्य एक साथ घटित हो या जब एक कार्य के बाद दूसरे कार्य का तुरंत होना इतना तुरंत होना कि समय का हम गैप भी नहीं लगा सकते तो जब यह दोनों स्थिति होती है तब दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किस कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है तो वैन कंजक्शन का प्रयोग यहां पर किया जाना चाहिए एस का प्रयोग होता है जैसे ही जैसे ही पहला कार्य खत्म हो वैसे ही दूसरा कार्य शुरू हो जाए जैसे ही पहला कार्य खत्म वैसे ही या जैसे ही पहला कार्य हुआ वैसे ही दूसरा कार्य का होना ठीक है द द एक्शन अकर्ड बिफोर फर्स्ट इज फिनिश्ड यानी पहला कार्य तुरंत शुरू हो जाए तो उसके लिए हम एस का प्रयोग करते हैं प्रथम एक्शन के पूर्ण होने से पूर्व ही दूसरा एक्शन आरंभ हो जाए एस शी लेफ्ट फॉर द लेफ्ट द शॉप जैसे ही उसने दुकान खोली दुकान छोड़ी या जैसे ही वो दुकान से निकली शी रिमेंबर्ड हर शॉपिंग उसने अपनी उसे अपनी शॉपिंग की याद आई फॉर एक्शन दो कोई ऐसे कार्य जो एक साथ या साथ साथ में घटित हो रहे जैसे कि शी टॉक्ड ऑन मोबाइल द कार जैसे वो कार चला रही थी कार चलाती चलाती फोन पे बात कर रही थी तो वैन और एज दोनों में क्या अंतर है वैन में दो कार्य एक ही समय पर हो रहे हैं पहला दूसरा एक कार्य होता जा रहा है उसके पीछे पीछे दूसरा कार्य भी होता जा रहा है लेकिन एज जैसे ही पहला कार्य खत्म हुआ खत्म होते ही उसी पॉइंट पे हम डिफरशियट भी नहीं कर सकते कि कि उसी उसी टाइम पे पे हुआ था कि एक हुआ था था सेकंड बाद पॉइंट दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए और या फिर दो कार्य एक साथ होते चले जाए तो जैसे जैसे वो कार चलाई जा रही थी वो फोन पे बात करे जा रही थी तो यहां पर शी शीटॉकड मोबाइल वो फोन पर बात कर रही थी मोबाइल पर बात कर रही थी एज जैसे वो शी शिड्रोव द कार वो कार चला रही थी तो पैरल एक्शन हो गए पैरल एक्शन का मतलब क्या हो गया साथ साथ के कार्यों के लिए ऐसे दो कार्य जो एक साथ होते हैं फॉर पैरल डेवलपमेंट यानी कि साथ साथ परिवर्तनकारी कार्य एक कार्य जैसे जैसे होता जाएगा दूसरे कार्य में भी परिवर्तन होता जाएगा जैसे जैसे सूरज उगेगा वैसे वैसे, वैसे अंधकार समाप्त होगा तो इधर ये सूरज उग रहा है इधर अंधकार धीरे धीरे कम होता जा रहा है इस तरीके से एज द सनसेट जैसे ही सूरज डूबा तो अब सूरज धीरे धीरे डूब रहा है डार्कनेस अपियड अंधेरा दिखाई देने लगा अब आप देखोगे कि, कि पश्चिम की तरफ जब सूरज डूबने लगता है तो जैसे जैसे सूरज डूबता है वैसे वैसे पूरब की तरफ से अंधेरा दिखना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे सूरज डूबने लगता है वैसे वैसे, वैसे पूरब से पश्चिम की ओर अंधेरा फैलने लग जाता है तो देखो क्या हो रहा है दो कार्य जो परिवर्तन हो रहे हैं एक साथ हो रहे हैं और दोनों कार्य एक साथ धीरे 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 डेवलप हो रहे हैं एक तरफ सूरज डूबने का कार्य डेवलपमेंट हो रहा है दूसरा अंधेरे के बढ़ने का कार्य का डेवलपमेंट यहां पर दिखाई दे रहा है टू मीन वाइल तो वाइल जो है वो ड्यूरिंग द टाइम दैट यानी कि उस समय के दौरान उस समय के दौरान का अर्थ बताता है कि उस समय के दौरान क्या कार्य हो रहा था एज आई स्टडीड कंटिन्यूसली जैसे मैं पढ़ाई कर रहा था लगातार मैंने वो टॉपिक पढ़ लिया तो अब भैया स्टडीड हुई मान लो दस बजे से लेकर के बारह बजे तक ये स्टडी का टाइम है सुबह दस बजे से बारह बजे तक स्टडी करी अब स्टडी में क्या हुआ उस दस से बारह के दौरान क्या हुआ धीरे धीरे वो लेसन को पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया और बारह बजे तक उसका लेसन समाप्त हो गया तो दस से बारह के दौरान क्या हुआ कि जैसे जैसे वो पढ़ता गया जैसे जैसे कार्य निरंतर आगे होता गया उसके दौरान वो टॉपिक को आगे पढ़ता चला गया तो एक समय की रेखा चल रही है उसके दौरान दूसरी कार्य उस दौरान ही दूसरा कार्य जो है वो पूर्ण होता चला जा रहा है या बढ़ता चला जा रहा है जब हम ऐसा देखते हैं तब भी हम इसका प्रयोग करते हैं सिंस का प्रयोग जो है परफेक्ट टेंसेस के लिए किया जाता है इसके बारे में हमें पहले ही पता है सिंस या फॉर का इस्तेमाल हम कहां करते हैं सिंस का प्रयोग परफेक्ट टेंस के बाद वाले क्लॉज से पूर्व किया जाता है कैसे किया जाता है Since जो है, वो किसी ना किसी टाइम पॉइंट को दर्शाएगा और टाइम पॉइंट को दर्शाने के लिए कई बार टाइम का इस्तेमाल किया जाता है और कई बार किसी एक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है तो यह बात ध्यान रखना आई प्लेड मैं खेला नहीं हूं कब से नहीं खेला हूं सिंस आई लेफ्ट कॉलेज जब से मैंने कॉलेज छोड़ा है तो जब से मैंने कॉलेज छोड़ा है अब मैंने इसको एक बिंदु मान लिया समय बिंदु कि जब से मैंने कॉलेज छोड़ा तब से आज तक क्या नहीं हुआ तब से इसको मैं कह सकता हूं टिल नाउ अब तक क्या हुआ है तब से अब तक मैं खेला नहीं हूं तो इस बिंदु समय के इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक खेलने का कार्य नहीं हुआ है तो यहां पर इसको दर्शाने के लिए हम लोग सेंस का प्रयोग कर लेते हैं लेकिन यही अगर टाइम पॉइंट की जगह टाइम पीरियड होता तो अगर कोई टाइम पीरियड होता तो हम सेंस का प्रयोग करते या किसका प्रयोग करते अगर जिसको पता होगा जिसने पढ़ा होगा टेंस अच्छे से पढ़ रखे हो मेरे से वो बहुत आसानी से इसका एग्जाम्पल दे पाएगा और एक एग्जाम्पल के साथ समझा देना कमेंट बॉक्स के अंदर विथ वन एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल के साथ फटाफट इस बात को कमेंट बॉक्स में लिख दो कि किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है आफ्टर का प्रयोग बाद या लेटर के अर्थ में करें आफ्टर का प्रयोग किसके बाद में किसके अर्थ में होता है बाद के अर्थ में बाद का अर्थ किस अर्थ में क्रम के अर्थ में बाद में नहीं समय के आधार पर बाद कि जब मैं किसी कार्य के लिए कहता हूं समय के आधार पर बाद में तब मैं किसका प्रयोग करता हूं लेटर का अर्थ में इसका प्रयोग कर लेता हूं आफ्टर का आफ्टर इज ऑफन फॉलोड बाय परफेक्ट टेंसेस यानी इसमें अधिकांश आप देखोगे कि आफ्टर के साथ में परफेक्ट टेंसेस आते हैं जैसे कि आफ्टर आई हैड रिवाइज द लेसन आई डिड एक्सरसाइज तो जैसे ही पहला है रिवाइज्ड लेसन और दूसरा है आई डिड द एक्सरसाइज तो पहला काम कौन सा हुआ आई हैड रिवाइज द लेसन और उसके बाद में मैंने क्या किया आई एक्सरसाइज है ना तो इसके लिए हम लोग एक रूल पढ़े थे याद हो तो पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस सिंपल पास्ट टेंस दोनों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग कराया यहां पे आफ्टर का और चाहता तो किसका प्रयोग कर सकता था बिफोर का जब भूतकाल में एक कार्य के बाद दूसरे कार्य का होना दर्शाया जाए तो दोनों कार्यों को जोड़ने के लिए आफ्टर बिफोर का प्रयोग होता है जो कार्य पहले हुआ है उसको पास परफेक्ट टेंस में तथा जो कार्य बाद में हुआ है उसको बताने के लिए सिंपल पास टेंस का प्रयोग किया जाता है यह सिंपल सा रूल है इसी रूल को आफ्टर से कनेक्ट करके फिर से बताया जा रहा है और कोई अभी तक कोई नई बात नहीं हो रही जो कुछ हम टेंस में पढ़ के आए हैं केवल वही बातें हो रही है अभी तक उससे बाहर जाके हम कोई बात कर ही नहीं रहे उसके बाहर की बात अब होगी आगे होगी ठीक है तो यहां पर क्या हुआ आफ्टर के बाद में सीधा किसका प्रयोग हुआ आई हैड रिवाइज द लेसन और उसके बाद वाला जो वाक्य है वो किस में आ गया अपने आप आई डिड एक्सरसाइज वो सिंपल पास्ट टेंस में आ गया गो टू मार्केट आफ्टर यू हैव फिनिश्ड द वर्क मार्केट चले जाना जब तुम अपना कार्य समाप्त कर चुके होंगे उसके पश्चात तो यहां पर भी यही हुआ कि आफ्टर के बाद सीधा कौन से टेंस का सेंटेंस आ गया परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है परफेक्ट टेंस में यह कौन सा टेंस है यह प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा टेंस है यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हार्डली या स्कॉसली वैन या नो सूनर देन तो स्कार्सली वैन और नो सूनर देन जो है यह थोड़े से इंपॉर्टेंट है हार्डली का मतलब होता है कि जब कोई कार्य ना के बराबर हो जब किसी कार्य का ना के बराबर होना दिखाई देता है जब क्रिया का ना के बराबर होना दिखाई देता है तब हम हार्डली स्कार्सली वैन नो सुनर देन का प्रयोग करते हैं उसके अलावा एक कार्य पूर्ण हुआ भी नहीं कि दूसरे कार्य का उस पर प्रभाव आ गया यानी एक कार्य के पूर्ण होने से पहले ही जब दूसरे कार्य का उस पर प्रभाव पड़ने लग जाता है तब हम हार्डली स्कार्सलीवैन या फिर हार्डली वैन या फिर नो सुनर देन का प्रयोग करते हैं हार्डलीड आई रीच द स्कूल मैं बस स्कूल पहुंचा ही था वैन द बैल रैंक जब घंटी बजी तो यानी कि ये स्कूल का गेट है ये स्कूल के के गेट यही पहुंचा है और इतने में स्कूल के अंदर क्या हुआ घंटी बज गई इस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग किसका प्रयोग कर लेंगे तो हम प्रयोग कर लेंगे हार्डली का और हार्डली के साथ जोड़ा किसका बना लेंगे वैन का तो हार्डली हैड आई रीच स्कूल बस मैं स्कूल पहुंचा ही था कि घंटी बज गई तभी घंटी बज गई तो एक कार्य पूर्ण हुआ भी नहीं मतलब बस होने में है उससे पहले ही दूसरे कार्य का प्रभाव उस पर पड़ना शुरू हो जाता है स्कर्सली हैड आई रीच्ड स्कूल बात वही है व्हेन द बेल रेंग सेम बात नो सूनर हैड आई रीच्ड स्कूल बस मैं स्कूल पहुंचा ही था देन द बेल रेंग जब घंटी बजी तो हमेशा ध्यान रखना गाइस कि हमेशा हम जब भी इन शब्दों का प्रयोग करते हैं हेड का प्रयोग इन शब्दों के जस्ट बाद में हो जाता है अभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो है उसके लेक्चर में भी बताया था कि नो सूनर हार्डली हार्डलीसली के बाद में हेड का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद जो है वाक्य वो आई रीच द स्कूल आई रीच स्कूल इस तरीके से बनाया जाता है ठीक है नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं द सूनर का प्रयोग करने की पहले समय वाले एक्शन का प्रभाव दूसरे एक्शन पे पड़े यानी कि दो एक्शन हो रहे हैं क्रमशः है। पहला एक्शन दूसरा एक्शन एक्शन नंबर वन एक्शन नंबर टू तो पहले समय वाले एक्शन का प्रभाव दूसरे पर हो, जितना जल्दी हम लोग यहां से निकलेंगे जितना जल्दी हम कार्य प्रारंभ करेंगे जितना जल्दी हम यात्रा प्रारंभ करेंगे उतना ही जल्दी हम लोग वहां पहुंच जाएंगे तो जब इस तरीके से बात की जाती है तो देखो जल्दी स्टार्ट करोगे तो पहला कार्य क्या है जल्दी स्टार्ट करना और दूसरा कार्य क्या है वहां पहुंचना तो जितना ये कार्य पहला कार्य जो है उसका प्रभाव दूसरे कार्य पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा जितना जल्दी हम जाने का कार्य प्रारंभ करेंगे उतना ही जल्दी हम वहां पहुंच भी जाएंगे इस तरीके से जब हम वाक्यों को देखते हैं जहां पहले एक्शन का प्रभाव दूसरे एक्शन पर हो वहां पर हम किनका प्रयोग करते हैं सूनर का प्रयोग कर लेते हैं या अंटिल के बारे में वैसे बेसिकली दोनों एक जैसे ही होते हैं लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है थोड़ी सी डिफरेंस आता है जो मैं बताऊंगा टू टॉक अबाउटेंट कोई भी ऐसी स्थिति या दशा जो एक निश्चित समय तक जारी रहनी होगी यानी कि हमारी जो क्लास है क्या बज गया मुझे लगता है दस से पंद्रह मिनट और जारी रहेगी तो अब यह क्लास पंद्रह मिनट और जारी रहेगी जारी होने का अंतिम समय क्या हो गया पंद्रह मिनट तक कि पंद्रह मिनट तक तो चलेगी क्लास तो वहां पर क्या है स्थिति या दशा जो एक निश्चित समय तक जारी रहेगी ठीक है हम लोगों की जिस भी क्लास में हम पढ़ रहे हैं हमारी पढ़ाई कब तक जारी रहेगी जब तक एग्जाम होगा तब तक हमारी पढ़ाई जारी रहेगी इस साल की हालांकि उसके अगले दिन से अपन अगले साल की पढ़ाई करना शुरू कर देंगे लेकिन जिस कक्षा में अभी हैं उसकी पढ़ाई कब तक जारी रहेगी जब तक परीक्षा नहीं हो जाती तब तक जारी रहेगी आई विल वेट टिल आई हियर फ्रॉम यू जब तक मुझे तुमसे जवाब नहीं मिल जाता तब तक मैं प्रतीक्षा करूंगा या करूंगी मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है तो आई शैल वेट मैं इंतजार करूंगा या करूंगी आई हियर फ्रॉम यू जब तक मैं तुमसे जवाब या प्रत्युत्तर नहीं सुन लेती एस सुन एस एस सुन का एज का मतलब होता है जैसे ही तुरंत जो एज वाला सेंस था ना उस एज वाले सेंस में थोड़ी सी जल्दबाजी और जोड़ दो एस का जो सेंस था उसमें क्या करना है थोड़ी सी जल्दबाजी हमें और जोड़ देनी है थोड़ी सी जल्दबाजी और जोड़ दोगे तो इमीडिएटली का प्रयोग होता मतलब है तुरंत तुरंत कोई काम अगर होना हो तो उसके लिए एसून एज या इमीडिएटली का प्रयोग किया जाता है वेन टू एक्शन और इवेंट्स है अदर जब एक के बाद दूसरा कार्य घटित होता है तब उनको जोड़ने के लिए एस सुन एज आई इमिडिएटली का प्रयोग किया जाता है एस सुन एज आई रीच स्कूल द बेल रैंक जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा तो ये स्कूल पहुंचने का कार्य खत्म हुआ यहां पर इस समय बिंदु पर खत्म हुआ और इसी समय बिंदु पर क्या हुआ बेल बज गई टेल मी इमीडिएटली मुझे तत्काल तत्काल मतलब मेरा सवाल खत्म होते ही बताओ टेल मी इमीडिएटली यू हैव एनी न्यूज तुम्हारे पास कोई खबर है मेरे लिए तुरंत बताओ तो तुरंत का मतलब तुम्हारे पास जो भी बात है अभी बताओ अभी अभी मतलब राइट right नाउ तो एक कार्य के होते ही जहां दूसरे कार्य का होना दिखाई देता है उसके लिए इमीडिएटली या एस उन एज जल्द से जल्द मतलब एस उन एज और इमीडिएटली मतलब तत्काल प्रभाव से त्वरित प्रभाव से मुझे ये बात बताओ तो उसके लिए हम किसका प्रयोग कर लेते हैं तो उसके लिए हमारा प्रयोग किया जाता है एसोन एज या इमीडिएटली का बिफोर अभी बता दिया था आफ्टर के साथ ही बता दिया था परफेक्ट टेंस आता है लेकिन प्रेजेंट टेंस जो है उसमें ज़्यादा इस्तेमाल होगा बिफोर का प्रयोग जो है बिफोर के बाद प्रेजेंट टेंस होने पर फ्यूचर का मीनिंग देता है यानी कि बिफोर के बाद अगर प्रेजेंट टेंस भी है तो भी वो फ्यूचर टेंस का मीनिंग देगा बिल्कुल टेंस वाला रूल आया बिल्कुल हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड परसेंट टेंस वाला रूल है जो हम लोगों ने फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी पढ़ा था उसके अलावा सिंपल फ्यूचर टेंस में भी पढ़ा था दोनों जगह पढ़ाता है इसे है ना देखिए शी विल इन्फॉर्म बिफोर शी लीव द सिटी यानी कि वो जब शहर से जाएगी सेंस क्या बन रहा है जब शहर से जाएगी उससे पहले वो हमें इन्फॉर्म कर देगी उससे पहले हमें वो सूचित कर देगी तो अब भले ही यहां पर लीव्स द सिटी है सेंटेंस मेरा टेंस में बन रहा है लेकिन फिर भी She will inform के साथ में जुड़ रहा है ना फ्यूचर टेंस के साथ तो जाएगी का सेंस देगा जाती है का सेंस नहीं देगा ठीक है guys? तो जब भी future tense के साथ बिफोर से खासकर करके सिंपल प्रेजेंट टेंस जुड़ता है तो वो भी फ्यूचर टेंस का मीनिंग देना शुरू कर देता है बिफोर के बाद परफेक्ट टेंस का यूज कार्य के पूर्ण हो जाने का संकेत देता है ठीक है यू कांट गो तुम जा नहीं सकती बिफोर शी हैज़ कम्प्लीटेड हर वर्क जब तक वह अपना कार्य समाप्त नहीं कर लेती तब तक वह यहाँ से जा नहीं सकती तो इस तरीके से जब हम कहते हैं कि भाई कार्य के पूर्ण होने के बाद भाई देखो मैंने टेंस का सबसे पहला लेक्चर जो पढ़ाया था उसके अंदर मैंने क्या बात की थी कि कार्य का होना मात्र पता चले सिंपल टेंस कार्य का जारी होना पता चले कॉन्टिन्यूस टेंस कार्य की समाप्ति पता चले परफेक्ट टेंस और कार्य की का जारी होना भी पता चले

करेगा कार्य के पूर्ण होने पर ही वो चर्चा करेगा शिकांड गो बिफोर शी हैज कंप्लीटेड वर्क वह अपना कार्य पूर्ण करने से पहले नहीं जा सकती टू टॉक अबाउट समथिंग दैट डोंट हैपन कुछ ऐसा किसी ऐसी चीज के बारे में बात करें जो कि घटित नहीं होता है वे बातें जो घटती नहीं है ऐसा कोई कार्य जो घटित नहीं होता है ही लेफ्ट बिफोर आई कुड रिक्वेस्ट फॉर हेल्प मैं रिक्वेस्ट कर पाता मदद के लिए उससे पहले वो चला गया तो भाई मैं रिक्वेस्ट कर पाता इसका मतलब रिक्वेस्ट करने का कार्य तो हुआ ही नहीं यही हुआ ना कि वे बातें जो घटित नहीं हुई तो वह चला गया इससे पहले कि मैं उससे रिक्वेस्ट कर पाता तो मैं रिक्वेस्ट तो कर ही नहीं पाया और उससे पहले ही वो चला गया बिफोर के बाद आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना तो बिफोर के बाद आईएनजी का इस्तेमाल कैसे होता है प्लीज इशू बुक्स बिफोर लीविंग द स्कूल इंडली कंप्लीट द एक्सरसाइज बिफोर लिविंग द वीडियो काइंडली फिनिश योर होमवर्क बिफोर लिविंग टू स्कूल अब यहां पर यह सारे वाक्यों में क्या हो रहा है आई एनजी आई एनजी फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है बिफोर के बाद में कि किसी क्रिया को करने से पूर्व किसी क्रिया को करने से पूर्व तुम्हें कोई कार्य जो है वो समाप्त करने के लिए कहा जा रहा है निर्देशित किया जा रहा है वाइल का प्रयोग कब होता है जब दो काम साइमटेनियसली चल रहे हैं साथ साथ में चल रहे हैं इसके बारे में भी टेंस में मैंने बताया था क्या बताया था कि वैन और वाइल में ही डिफरेंस होता है कि जहाँ पर भी एग्जाम में वाइल दिखे ना समझ लेना कि एक एक्शन एक तो कॉन्टीन्यूस टेंस में होगा हो ही होगा कल मैं जब पढ़ा रहा था आप लोग पढ़ रहे थे सैटरडे को मैं क्या कर रहा था पढ़ा रहा था और जितनी देर में पढ़ा रहा था मेरा एक कार्य जारी था उस समय में एक और कार्य जारी था वो दूसरा कार्य क्या था आप लोग पढ़ रहे थे तो जब दो कार्य समान समय बिंदु पर जारी हों तो उसको दर्शाने के लिए वाइल का प्रयोग किया जाता है वाइल्ड देवर स्लीपिंग जब वे सो रहे थे द थीव्स ब्रोक इन टू द हाउस तो चोर जो है वो घर में घुस गए ठीक है इसके लिए एक और हो सकता है वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी जब मैं टीवी देख रहा था यंगर ब्रदर वॉज स्टडिंग इन हिज रूम मेरा छोटा भाई अपने कमरे में पढ़ रहा था तो एक ही समय रेखा है जिस पे दो कार्य समान रूप से या बराबर रूप से चल रहे हैं ठीक है तो आज हम लोगों ने बात की जो भी हमारे टाइम बेस्ड हमारे कंस्ट्रक्शंस थे उसके बारे में आज हमारा डिस्कशन हुआ नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसकी प्रैक्टिस शीट मिलने वाली है तो प्लीज इस वीडियो को ठीक से देखिएगा ध्यान से देखिएगा और बाकी फिर आगे का डिस्कशन हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे टिल दैट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बाय बाय